Hello everyone, welcome back to my channel. I have recently designed this kids ethnic wear from my old kurti and for bottom wear I have taken separate fabric. इसके टॉप और बॉटम के ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। एंड इस वीडियो में मैंने यहाँ पर बेल्ट कैसे अटैच करना है बॉटम वेयर में ये एक्सप्लेन किया है। बहुत ही इजी वे में हाफ इलास्टिक बैंड कैसे अटैच करना है, आइए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा आसन वाला पार्ट है और ये बैक बेल्ट और ये फ्रंट बेल्ट। सबसे पहले हमें इन दोनों पट्टियों को जॉइन करना है। इस तरफ से एक पैर की सिलाई लगा के दोनों साइड से हम जॉइन कर लेंगे। और जो बैक पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया था बिकॉज उसमें इलास्टिक लगेगी। तो इलास्टिक को भी इस तरीके से साइड बाय साइड हमें जॉइन कर लेना। सबसे पहले साइड से इलास्टिक को अटैच करेंगे। ये देखेंगे कि जो सेंटर मार्किंग है, सेंटर से जो फोल्डिंग है, उसी के जस्ट पास में ही हमें इलास्टिक अटैच करना है। बिकॉज़ वो जब फोल्ड करेंगे तो ऊपर से फिर गैप नहीं बचेगा और नीचे हमें फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा मिल जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से इलास्टिक को अटैच करना है। वीडियो में मैंने बस इतना बताया है कि इस बेल्ट को कैसे अटैच करेंगे। अगर आपको इस फुल गरारा की ट्यूटोरियल चाहिए तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ जा के देख सकते हैं। और अब इस तरीके से इलास्टिक पूरी लग चुकी है। अब हमें स्ट्रेच करते हुए इसको सबसे पहले सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर पूरा फोल्डिंग हो गया है और इसके बाद इसको स्ट्रेच करते हुए सेंटर पे, इलास्टिक के सेंटर पे हमें एक सिलाई लगानी है। तो पीछे साइड से भी पकड़ के और आगे से भी पकड़ के हमें स्ट्रेच करते हुए इसमें सेंटर की सिलाई लगानी है। बस नीचे की साइड अभी नहीं लगाएंगे बिकॉज हमें बॉटम पार्ट में इसको अटैच करना है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा नीचे भी अगर हम स्टिच कर देंगे तो। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। इसको आसन वाला पार्ट जो है उसमें अटैच करके अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। जो एक पार्ट फोल्ड हुआ था उसे पूरा सर्कुलर वे में अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक नॉच लगा लिया है, उसको नॉच को और सेंटर पॉइंट को दोनों को मैच करते हुए सबसे पहले हम फ्रंट बेल्ट का फ्रंट पार्ट अटैच करेंगे। उसके बाद जितना जो बैक में इलास्टिक वाला पार्ट लगा हुआ है उसका जो फैब्रिक है उसको अच्छे से मिलाते हुए उसको अटैच कर देंगे। थोड़ी बहुत सल आएगी तो उसको आप हाथ से एक प्लीट डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी बेल्ट एक साइड से यहाँ पर अटैच हो चुकी है। सबसे पहले मैंने इसे सीधे साइड से रख के किया था। अब जो अंदर की साइड है जहाँ पर हमारा इनर की स्टिचिंग हुई है वहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके एकदम किनारे की सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से फ्रंट बेल्ट को भी ऐसे एक पैर की सिलाई, आधा इंच अंदर दबा करके एक पैर की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके अच्छे से एकदम किनारे की सिलाई लगानी है ताकि ये प्रॉपर पूरा अंदर कंसील हो जाए, कुछ भी फैब्रिक बाहर दिखाई ना दे। और यहाँ पर जब इलास्टिक वाला पार्ट आएगा उसको बहुत ही ध्यान से आपको स्ट्रेच करते हुए भी करना है, स्ट्रेच भी करना है और फिर उसको अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे की सिलाई भी लगानी है। तो इस तरीके से पूरा सर्कुलर फॉर्म में हमको सिलाई लगानी है। तो ये पूरा अच्छे से प्रॉपर कंसील हो जाएगा और ये हमारा बेल्ट रेडी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।